मॉर्निंग दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि IRCTC पे कंफर्म टिकट कैसे बुक किए जाते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाके आपको रेल कनेक्ट डाउनलोड करना है। IRCTC रेल कनेक्ट डाउनलोड करेंगे आप। मेरा डाउनलोड ऑलरेडी डाउनलोड है, इसलिए हमें डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसे हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ट्रेन टिकट का ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद आप आईडी पासवर्ड डालने के लिए आएगा। ऐसे आईडी पासवर्ड डाल करके आपको एक पिन जनरेट करना रहता है। पिन जनरेट करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको बार बार आईडी पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ पिन डालकर ही आप लॉग इन कर लेंगे, जिससे आपके समय की बचत होगी और आपको आईडी पासवर्ड हमेशा याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको जिस स्टेशन तक जर्नी करनी है, वहाँ से आपको यहाँ से आपको स्टेशन सेलेक्ट करना है। जो भी आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, जहाँ भी जाना है आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको डेट जो भी आपको डेट पे जर्नी करनी है, उस डेट को आप सेलेक्ट करना है। बाद आपको जिस ट्रेन में सेलेक्ट करना है, जिस ट्रेन में आपको जर्नी करनी है, उस ट्रेन को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से थर्ड एसी स्लीपर आप जो चाहे वो बुक कर सकते हैं। ये देखिए तत्काल है, आप प्रीमियम तत्काल में भी बुक कर सकते हैं। प्रीमियम तत्काल में बुक करने का आपको फ़ायदा ये है कि अमाउंट भले ही बढ़ के आता है, लेकिन टिकट कन्फर्म होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। जैसे देखिए तत्काल में इस ट्रेन में आपको थर्ड एसी में देखिए वेटिंग है, और प्रीमियम तत्काल में यही देखेंगे आप थर्ड एसी में, तो आपको देखिए यहाँ पर 7 सीट अवेलेबल हैं, 7 सीट अवेलेबल हैं, आप यहाँ से बुक कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ से ऐड पैसेंजर करके आपको पैसेंजर नेम और एज डालना होगा। यहाँ से मेल फीमेल आपको सेलेक्ट करना है, मेल हैं तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। यहाँ से आपको प्रेफरेंस करना है कि कौन सा बर्थ चाहिए, लोअर मिडिल अपर डाल लेंगे तो उसी में से आपको मिल सकता है। इसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं अगर चेंज करना चाहें, नहीं तो आपको टिकट पर जाना है। टिकट पर जाते ही आपको कैप्चा का कैप्चा आपको फिल करना है। कैप्चा करना है आपको, यहाँ पर फेयर भी शो करेगा उसका कि कितना आपका फेयर उठाएगा। उससे फेयर आपका नहीं उठा पाएगा, जितना शो कर देगा उतना ही आपका उठाएगा। यहाँ पर 3175 रुपये उठा रहा है फेयर। यहाँ आपको एक बार बोलेगा भी कि देख लीजिए आप कितना फेयर उठा है आपका। इसके बाद आपको IRCTC कनेक्ट मोबीक्विक से आप चाहे जिससे पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको पे करना है, पे करके आपको टिकट बुक कर लेना है। यहाँ पर मोबाइल मोबीक इंटरनेट बैंकिंग चाहे जिससे हो सकता है। उसके बाद आपको पे नाउ करना है। पे नाउ करने के बाद यहाँ पर देखिए इंटर OTP मांग रहा है। आप अपने से अगर मोबिक से करते हैं तो आपका मोबिक अगर इसमें इसी आपका ID से है तो आपका देखिए यहाँ पर OTP डालने के बाद आपका पे हो जाएगा पैसा, आपका टिकट बुक हो जाएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।